Vande Mataram, my dear students. Today's your subject is English, and today we learn Unit Number 4, Section 1, Mother Hen and Mother Duck. Let's start this. Said Mrs. Hen. Mrs. Hen ne kaha, how can you let your little children get so wet? My little ones are warm and dry. आप अपने बच्चों को ऐसा करने कैसे दे सकती है? मेरे बच्चे देखो कितने छोटे और गर्म और सूखे हैं। मिसेज हेन यानी एक मुर्गी किससे बोल रहे है? तो एक डॉग से बातें कर रही है। वो कह रही है कि आप अपने बच्चों को ऐसा करने कैसे दे सकती हो? मेरे बच्चे देखो कितने छोटे गर्म और सूखे हैं। एंड आई शुड नेवर लेट देम Try to paddle in a muddy brook or even at the water look. मैंने कभी भी इसे muddy brook यानी कभी भी कीचड़ में यहाँ तक कि मैंने उसे पानी में भी paddle यानी उसे तैरने की try भी करने नहीं दी है. How can you let your little children get so wet? My little ones are warm and dry. And I should never let them try to paddle in a muddy brook or even at the water look. Mrs. Hen ने डॉग से कहा, आप अपने बच्चों को ऐसे कैसे भीगने दे सकते हैं? मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, गर्म और सूखे भी हैं। और मैंने कभी भी उसे कीचड़ वाले पानी में यहाँ तक कि कभी भी पानी के जो लेक आता है उसमें भी कभी भी यानी पेडल यानी थोड़े थोड़े पांव से पानी हिलाते हिलाते आगे बढ़ना वो भी ट्राई करने नहीं दिया. Said Mrs. Duck, but then you see my little ducks are just like me. तो Mrs. Duck बोलती है, लेकिन आप देख सकती है मेरी लिटिल डॉग यानी मेरे बच्चे मेरे जैसे ही है. दे लाइक टू स्विम एंड स्प्लैश एंड डाइव. उसे पानी में तैरना, स्प्लैश यानी डुबकी लगाना एंड डाइव यानी उसमें गोते खाना बहुत ही पसंद है. जस्ट सी हाउ फास्ट दे ग्रो एंड क्राई. जस्ट आप देखो कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं. But hens will never understand that ducks like water, not dry land. But आप मुर्गियां कभी भी समझ नहीं सकती कि ducks यानी बतखों को पानी पसंद है, नहीं कि जमीन. Repeat this. Said Mrs. Duck, but then you see, my little ducks are just like me. They like to swim and splash and dive. Just see how fast they grow and thrive, but hens will never understand that ducks like water, not dry land. Mrs. Duck बोली, लेकिन आप देख सकती है मेरी छोटी बतखें मेरी जैसी ही है. उसे तैरना स्विम यानी तैरना स्प्लैश यानी गोते लगा वो पानी के अंदर डुबकी लगाना और उसे गोते लगाना बहुत ही पसंद है. जस्ट सी हाउ फास्ट दे ग्रो एंड थ्राइव. आप देख सकती है आप देखो कि वो कितनी जल्दी से आगे बढ़ती है. बट हेंस विल नेवर अंडरस्टैंड दैट डॉग्स लाइक वाटर नॉट ड्राई लैंड. बट हेंस कभी भी नहीं समझ सकती कि डॉग्स को पानी पसंद है, नहीं कि लैंड यानी जमीन. In this new words is first is paddle. Paddle का मतलब है swim with short fast strokes यानी छोटे छोटे पैर से आगे बढ़ना swim करना. Then splash sound make by falling into the water. पानी के अंदर कोई भी चीज गिरे तो भी जो भी sound यानी कि जो भी आवाज आती है उसे splash कहते हैं. Then dive plunge and move quickly यानी जल्दी से. एंड थ्राइव ग्रो और डेवलप. थ्राइव का मतलब में बढ़ना.
सेकेंड है मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबो, या यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसका यूज करके सेंटेंस बनाने हैं. फर्स्ट इज दे नेवर ट्राई टू पैडल इन द लेक. पैडल, उसने कभी भी लेक में पैडल करने की कोशिश नहीं की, यानी छोटे पैरों से स्विम करने की कोशिश नहीं की. सेकेंड, डक्स लाइक टू स्विम एंड स्प्लैश इन टू द वॉटर. स्प्लैश. थर्ड, दिस स्विमर इज डाइव इन दिस स्विमिंग पूल. डाइव. एंड फोर्थ, दे सी हाउ फास्ट दे ग्रो एंड थ्राइव. नेक्स्ट इज लर्निंग फॉर फन. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट इज वुज लिटल वंस आर वार्म एंड ड्राई. किसके बच्चे वार्म एंड ड्राई, यानी गर्म और सूखे थे, तो हैंस के. सो आंसर इज हैंस लिटल वंस आर वार्म एंड ड्राई. Second question. Who says to whom, how can you let your little children get so bad, dash, dash, dash. ये जो sentence है वो किस कौन बोल रहा है और किसे कह रहा है. तो ये sentence Mrs. Hen, Mrs. Duck को कह रहे हैं. So our answer will be right. Mrs. Hen says to Mrs. Duck. How can you let your children get so wet? And third question number is, who likes to swim, splash and dive? Swim, splash and dive किसको पसंद है? तो कि Mrs. Duck और उसके बच्चे को. Answer right. Mrs. Duck and her little ones, her little dogs. Like to swim, splash, and dive. Fourth, who likes dry land? Dry land किसको पसंद है? तो हैन को. डॉग्स को तो स्विमिंग करना पसंद है. Mrs. Hen and her little ones likes dry land. Second, next is question number B. Write what they like. Choose the words from the box given below. One has been done for you. अभी नीचे आप लोगों को जो भी दिया है उसको क्या क्या पसंद है वो हमें यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दिए उसके मुताबिक हमें लिखना है. एक हमारे लिए यहाँ पे दिया है, फर्स्ट इज डॉग लाइक्स टू ब्लैंक में प्ले. डॉग को प्ले यानी कि खेलना पसंद. सेकेंड इज Hens like to stay. Dash, उसे कहाँ रहना पसंद है hens को? तो कि dry place पर. Third, horses like to dash. Here is eat. Horse को खाना पसंद है. Fourth, cat like to dash. उसे sleep.
सोना पसंद है। फिफ्थ, माउस लाइक टू नीबल। निबल यानी जो चूहा छोटे छोटा बाइट करके जो करता है वो। देन सिक्स्थ, पैरट लाइक टू डैश, पैरट को बातें करना, टॉक। देन सेवेंथ, रैबिट लाइक्स टू डैश हॉप। नेक्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर ए, स्पीक अलाउड। यू स्पीक विथ मी। वेट, मैट, सेट, गेट, ड्राई, ट्राई, क्राई, फ्राई, सी, बी, ट्री, फी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, गिव द राइमिंग वर्ड्स ऑफ। यहाँ पे वर्ड्स दिए उसके राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट इज ड्राई, क्राई। सेकंड इज ब्रूक, नूक। थर्ड इज सी, बी। फोर्थ इज डाइव, उसका राइमिंग वर्ड फाइव। नेक्स्ट इज स्टडी स्किल, पिक्चर स्टोरी। द काइंड डक, लुक एट द पिक्चर, नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर स्टोरी दी है और उस स्टोरी का टाइटल है द काइंड डक, यानी एक दयालु डक। अभी आप लोगों को ये पिक्चर्स देख के पहले आपके लैंग्वेज में उसे स्टोरी बनानी है, देन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट आप देख सकते हो कि एक गार्डन में डक और हैन बातें कर रहे हैं। उसे ये लेक है, उसे पार करना है, यानी कि उसे क्रॉस करना है, पर हैन तो उठ के क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो भी डक है वो उसे अपनी पीठ पर बैठा के उसे वो लेग क्रॉस करवा रहे हैं। अभी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मिसेस हैन एंड मिसेस डक वेर इन द गार्डन। मिसेस हैन टोल्ड द मिसेस डक, आई वॉन्ट टू क्रॉस द लेक विथ माई कॉब बट वी कॉन्ट स्विम इन द वॉटर। मिसेस डक सेड, डोंट वरी, आई हेल्प यू। एंड देन मिसेस डक एंड देयर कॉब सिट ऑन देयर बैक, मिसेस हैन एंड देयर कॉब्स क्रॉस द लेक। लेट्स यू राइट द स्टोरी। मिसेस हैन एंड मिसेस डक वेर इन द garden. Mrs. Hen told the Mrs. Duck I want to cross this leg with my cup. But we can't swim. Swim in this water. Mrs. Duck said, don't worry, I help you. And then
Mrs. Duck and their cub sit. Sorry. And then Mrs. Hen and their cub sit on the Mrs. Duck and then cubs back and finally cross this leg. Understand this? In next video, we will see next section of this Vande Mataram.